जयश्री आंध्र प्रदेश से हमारे साथ, स्वागत है आपका जयश्री। हाँ हाँ जी, सवाल कीजिए। मैं लाइन में हूँ। बताइए, बात करूँ? जी जी बताइए जयश्री जी, बताइए। हाँ हाँ बोलिए, सवाल कीजिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आंध्र प्रदेश से जयश्री बात कर रही हूँ। हकीम साहब जी नमस्ते। आदाब, मैं जानना चाहती हूँ लेफ्ट नेक में, मतलब थ्रोट में लेफ्ट साइड छोटा सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, तो सूजा हुआ है। इसका 3.1 साइज और ये डॉक्टर्स कहते हैं रिमूव करना पड़ेगा। मैंने जब से आपका प्रोग्राम देखा मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि ये गलने की कोई आप नुस्खा कुछ बता दे तो मुझे अच्छा लगेगा। एज बताइए जयश्री जी, एज बता दीजिए अपनी। मेरी एज 58 है। ठीक है, गौर से सुनिए, कापी पेंसिल ले लीजिए और जितना वजन मैं बताऊं इतना वजन लिखना हर चीज का। देखिए, चाहे थायराइड ग्लैंड्स हो या गले की कोई और तकलीफ, वॉइस बॉक्स की कोई तकलीफ या किसी को थायराइड हो, तो थायराइड इससे बेशतर लोगों का फायदा हो जाता है, लेकिन 4-5 महीने लगते हैं। थायराइड की दवा चल रही तो थायराइड की दवा लेते रहें अपने डॉक्टर के सलाह के मुताबिक, और वो डॉक्टर खुद ही उसकी दवा कम करता जाएगा क्योंकि थायराइड कंट्रोल होता जाता है, जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ उससे। देखिए, धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और सोडा खाने वाला 20 ग्राम, इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाइए और सुबह वो गोली जो आप खाते हैं ना उसके साथ या उसके बाद या उससे पहले गर्म पानी से खा लिया करें एक बार, और बहुत ज़्यादा है तो दो बार भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, पानी से ही लेना है। ये मटेरियल ख़त्म होते होते आपको फायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं, विपुल हैं हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी विपुल, सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे को मेरे फादर के बारे में पूछना था जी। पूछिए। मेरे फादर की उम्र 65 साल है मैडम। 65 साल? और हाँ जी 65 साल, 65 ईयर जी। तो उनके ना उल्टे पैर में गोड्डे से नीचे दर्द रह जाता है मैडम इनके, अभी 10-1 दिन से। ये अपना कुल्ले से लेके नीचे पैर तक दर्द है उनके। ठीक है, अच्छा देखिए विपुल जी, खूब गौर से सुनिए, इस उम्र में ये दर्द तकरीबन सब लोगों को आता है, किसी के सिर्फ पिंडली में, किसी के कमर से नीचे तक पैर तक, किसी के एक पैर में, किसी के दोनों पैरों में। मेरी जानकारी के मुताबिक ये साइटिका कहलाता है, गांवों में इसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। ये इस पर आदमी थोड़ा लंग करके चलने लगता है, अगर 10 दिन से रहते हैं तो कोई भी दवा फ़ायदा कर देगी, अगर किसी को महीनों और सालों से है तो एक नुस्खा बहुत अच्छा है। देखिए, गौंद स्याह यानी काला गौंद, काला गौंद खरीद लें 100-200 ग्राम, पाउडर बनाएं, फिर इसकी चने या मटर के बराबर गोलियां बनाएं और सुबह और शाम खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से या पानी से या जूस से, जैसा उनको आसानी हो, जैसे आपके हालात हों, दीजिए। और ये 100-200 ग्राम ये गौंद स्याह जिसे कहते हैं, काला गौंद कड़वा होता है, ख़त्म होने से पहले अक्सर मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। वेस्टर्न टॉयलेट घर में नहीं हो तो वो ज़रूर लगवा लें, नहीं तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वेस्टर्न कुर्सी वाला जो बाथरूम होता है उस पर वो अपनी ज़रूरत पूरी करें तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ संतोष बिहार से, स्वागत है संतोष आपका।
जी नमस्कार सर जी आदाब सर, बोल रहे हैं कि मुझे 38 साल के ही उम्र में सर शुगर का मैंने पेशेंट हो गए थे सर, और इसके चलते जो है ना सुबह सुबह अब जो है हाथ में कंपन भी आता है। ठीक है, तो देखिए शुगर वालों के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। ये शुगर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई जामुनी खाया जाता है तो कोई नीम खाया जाता है तो कोई गुड़मार खाता है तो कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई करेला खाता है, लेकिन एक ऐसे भी रॉ मटेरियल है जो बाकायदा असर करता है, ये कम असर करती हैं। तो जैतून का सिरका मिलता मुश्किल से, जैतून का सिरका 2 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 2 चम्मच रात को, 1 गिलास पानी में मिला के छोटा चाय का चम्मच पिया करें, और 1 घंटा पैदल ज़रूर चला करें, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रह सकती है। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार है बिहार से, स्वागत है आपका राजकुमार। हेलो हेलो, हाँ जी 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 बताइए। मेरा नाम राजकुमार झा हुआ जी। राजकुमार जी बताइए जी, हमारी दादी माँ को मतलब फलेरिया हो गया, पैर फूल गया, ठीक है, उसका कोई सलूशन बताइए जी। एक बार फिर से आप पूछेंगे अपना सवाल जी। मेरा दादी माँ का फलेरिया हो गया पैर में, उसका हमको इलाज करवाना है। किस तरफ है, किस तरफ है, पैर में है क्या जी? पैर में है। ठीक है, आपकी दादी माँ है तो यकीनन 60-65 साल से ज़्यादा की हो सकती हैं, और देखिए बड़ा आसान इलाज भी है। गोंद आता है एक मोरिंगा का गोंद, गोंद मोरिंगा कहते हैं इसे, और ये ऐसे 200 ग्राम खरीदिए, इसमें 200 ग्राम सौंफ मिलाइए, पाउडर बना लीजिए, और 100 ग्राम आंवला मिलाइए, और 20 ग्राम खाने का सोडा, इसको खूब बारीक पाउडर बनाकर आधा से एक चम्मच सुबह, आधा से एक चम्मच शाम, खाने से पहले देना बेहतर है, अगर कभी भूल जाए तो खाने के बाद भी दे सकते हैं, 1 छोटी चाय के चम्मच। तो ये जो मटेरियल मैंने आपको बताया है, इसके ख़त्म होने से पहले आपकी दादी माँ का ये मर्ज ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल आपकी दादी को जो परेशानी हो रही है वो ज़रूर दूर हो जाएगी, ये नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं। एक बार फिर से दर्शकों आप सभी से यहाँ पे कहना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी, जो भी कॉलर्स यहाँ पे कॉल लगा रहे हैं वो टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमसे बात कीजिए, क्योंकि बहुत ही कीमती समय हमारा भी है, बहुत कीमती समय हकीम साहब का भी है, और बहुत कीमती नुस्खे आप लोगों को यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो टीवी का वॉल्यूम करके प्लीज़ यहाँ पे कॉल लगाइए, और साथ ही साथ हर एक नुस्खा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं हकीम साहब वैसे ही आपको वो उपचार अपनाने हैं। फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ राधे श्याम है वाराणसी से, स्वागत है आपका। हेलो जी, हेलो, हकीम साहब से बात कर रही है जी। आदाब फरमाइए राधे जी। नमस्कार, हाँ राधे श्याम बोल रहे हैं सर। हमारे हाथ पाँव में जलन रहता है सर, और मुँह सूखा रहता है। अच्छा, डायबिटीज तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, डायबिटीज नहीं है सर। कवल हमको पी लिया हुआ था, 4-6 साल हो गया, और सभी से दिक्कत हमको है। अच्छा, डायबिटीज चेक कराई थी आपने कभी? हाँ, 130 है सर। खाने के बाद की? ठीक है, अच्छा देखिए डायबिटीज़ होने के करीब हैं, अगर 130 है तो डायबिटीज़ तकरीबन होने वाली, जिसको कहते हैं यानी प्री डायबिटीज़ शुरू है, और फिर करा लीजिए चाहे तो। खाने के बाद की जो शुगर है यानी खाली पेट की, वो 100 के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा है, और खाने के बाद 2 घंटे बाद की अगर 140 के अंदर रहे तो बिल्कुल ठीक है। और मैं एक नुस्खा बताता हूँ आपको, वो
आप खरीद लें और शुरू करें, और महीना दो महीना लेंगे तो आपको ये परेशानी ठीक हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए एलोवेरा आप जानते हैं, एलोवेरा जेल मिलता है, एलोवेरा आप जानते हैं जगह जगह पैदा होती है, एलोवेरा का सिरका होता है, एलोवेरा का सिरका लीजिए दो चम्मच रात में एक गिलास पानी में डाल के पी के सो जाया करिए, आपकी ये बीमारी ठीक होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से, गंगाराम है कर्नाटक से हमारे साथ, स्वागत है आपका गंगाराम। हाँ मैडम जी बताइए। हेलो जी मैडम, मेरे को चिकनगुनिया यूरिक एसिड हो गया मैडम, 4-5 साल से जा रहा नहीं, दवाखाना बता रहा हूँ। अच्छा चिकनगुनिया यूरिक एसिड, चिकनगुनिया हो गया सर, यूरिक एसिड हो गया, मैं 8 पॉइंट से ज्यादा था, 3-4 साल से गोली पी रहा हूँ मेडिकल से। ठीक है ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? 50 सर। अच्छा देखिए, देखा यह गया है कि जिनको चिकनगुनिया हुआ उनका दर्द आज भी मौजूद है, अगर उन्होंने कोई आयुर्वेदिक यूनानी इलाज नहीं लिया, आप एक दो महीने ये यूनानी इलाज करें, और यूनानी इलाज ये है कि सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, फिर लिख लीजिए आप, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, छोटी हड़, फिर बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, छोटी हड़ और गौंसिया, गौंसिया मतलब काला गौंद, ये मुश्किल से मिलेगा और नकली भी बहुत मिलता है काला गौंद, इन सबको 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ, और गर्म पानी पिए तो बहुत अच्छा है, दिन में 5 बार गर्म पानी पीजिए, 2 बार ये दवा खाइए, 1-1 ग्राम मतलब एक कैप्सूल बड़ा होता है उसकी बराबर खाइए, ये मटेरियल ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है कुलदीप भटिंडा से हमारे साथ, स्वागत है कुलदीप आपका। नमस्ते जी। नमस्कार, हम पंजाब से बोल रहे हैं जी, हमको ना रात को मम्मी को ना नींद नहीं आती, जो लाते हैं ना वो खुश भी रहती हैं सारी रात, बेचैनी होती है। और कोई परेशानी इसके अलावा उनको? ना बस यही है। ठीक है, देखिए एक बहुत अच्छी दवा है जो अगर आप आज से शुरू करेंगे तो आज से ही आपको फ़ायदा शुरू होना लगेगा, ऐसा उसका रिजल्ट है। एक विनेगर आता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, देखिए गन्ने का सब जानते हैं, अंगूर का सिरका सब जानते हैं, जैतून का सिरका आक आता है, ज़रा मुश्किल से मिलता है, जैतून का सिरका ले लीजिए 2 या 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर अपनी वालदा को, अपनी मम्मी को पिलाइए, आज से शुरू करेंगे तो आज से इनको बहुत गफलत की नींद आएगी और सुकून मिलेगा, दिमाग को बहुत सुकून देती है, बस रात में पिलाइए और उनको पहले दिन से फ़ायदा होना मुमकिन है। तो देखिए कुलदीप जी, पहले दिन से ही उनको फ़ायदा हो जाएगा, आपकी मम्मी को बहुत आराम हो जाएगा, ये जो बेशकीमती आप लोगों को दर्शकों नुस्खे बताए जा रहे हैं, आपको बस उन्हें फॉलो करना है, देखिए फिर आप लोग कैसे अपने आप को स्वस्थ तो महसूस रखेंगे ही, साथ ही साथ आपके चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान रहेगी। देखिए कितने सारे कॉलर्स ऐसे आए हैं जो अपनी मम्मी को लेकर परेशान हैं, जो अपने पिताजी को लेकर परेशान हैं, जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन हम आपसे बार बार यहाँ पे यही कहते हैं कि आप लोग घरेलू नुस्खे अपनाइए, देसी नुस्खे, दर्शकों यूनानी पद्धति से जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए, और इतने अच्छे चमत्कार देखे गए हैं कि आप लोगों का कोई भी रोग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब आप वो बातें अपनाते हैं जो हकीम साहब आपको यहाँ पे बताते हैं, तो निश्चित ही आपकी बीमारी खत्म हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा संयम आप लोगों को रखना होगा। बाकी अगर आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं रोग संबंधी, तो आप लोग फोन उठाइए इन्हीं नंबर्स पे संपर्क साथ के, जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं।